गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम क्लास 10th के बच्चों के लिए एक टॉपिक लाए हैं जो आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब भी जैसे आप 9th से 10th में घुसते ना, तो ये आपका एक पड़ाव आ जाता है कि मैथ्स बेसिक लो या स्टैंडर्ड लो। अब 9th से 10th में जाते हुए आपको सोचते हैं कि हम बेसिक और स्टैंडर्ड क्या होता है, कुछ भी ले लेते हैं। बट आज हम इसके बहुत ज़्यादा मेनली इसके प्रॉज एंड कॉन्स देखेंगे कि क्या अगर आप बेसिक लेके गलती तो नहीं कर रहे हैं या स्टैंडर्ड लेके आप कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। आज हम इसकी करियर अपॉर्चुनिटीज़ हर एक चीज़ हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे, और मैं आपको ये भी बताऊँगी कि आपको बेसिक लेना चाहिए या स्टैंडर्ड आपको चूज़ करने से पहले, या फिर आपके टीचर ऐसे आप सभी को डाल दें तो आप एक बार टीचर से पूछ लीजिएगा अपनी कि मेरा मैथ्स बेसिक है या स्टैंडर्ड है, क्योंकि आपको ये आगे जाके बहुत प्रॉब्लम देगा। और मैथ्स जो बेसिक या स्टैंडर्ड है, इसमें चेंज आया है, इस सेशन के लिए चेंज आया है। पहले वाले सेशन के लिए अलग था, इस वाले सेशन के लिए अलग है, तो आपको इस सेशन के अकॉर्डिंग देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मैथ्स बेसिक ले हम या फिर स्टैंडर्ड ले, इसकी करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, दोनों में से बेहतर कौन सा है, बेसिक लेने के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, स्टैंडर्ड लेने का क्या फ़ायदा है, तो वो दोनों ये सब चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो और आपको अच्छे से पता भी चल जाएगा कि आप मैथ्स बेसिक लेंगे या स्टैंडर्ड, एंड जिन्होंने चूज़ कर लिया वो मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। तो ये जो मैथ्स बेसिक और स्टैंडर्ड का जो फंडा है वो 2020 से आया था, 2020 से आया था, क्योंकि उससे पहले बेसिक स्टैंडर्ड कुछ नहीं होता था, सब रेगुलर मैथ्स यानी एक ही मैथ्स को पढ़ते थे। अब 2020 के बाद यानी 21, 22, 23 अब से ही मैथ्स बेसिक स्टैंडर्ड में डिवाइड हो गया है। अब जो था 2021 और 22 यानी जो सेशन 2020-21 था और 21-22 यानी ये दो साल के जो बच्चे थे, जो ये दो बैच था, इसके लिए जो मैथ्स था वो बेसिक और स्टैंडर्ड में ज़्यादा डिफरेंस नहीं थे। बेसिक और स्टैंडर्ड में बेसिक की बुक भी सेम थी, स्टैंडर्ड की बुक भी सेम थी, दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे, सिलेबस भी सेम था। बस क्या होता था, बेसिक का जो पेपर था वो इजी रहता था, स्टैंडर्ड का हार्ड रहता था, यही मेन डिफरेंस है। बट क्या होता था, बेसिक वाले भी आगे जाके मैथ्स ले सकते थे, स्टैंडर्ड वाले भी आगे जाके मैथ्स लेते थे, तो सब बेसिक ले लेते थे, मैथ्स सारे बेसिक ले लेते थे क्योंकि कोई डिफरेंस था ही नहीं और पेपर इजी आ रहा है, सब इजी की तरफ ही जाएंगे, तो सभी बच्चों ने बेसिक ले ली। बट आपका जो सेशन है वो 2022-23 है, इस सेशन में एक नया चेंज आया है। अब बेसिक और स्टैंडर्ड में कोई डिफरेंस ही नहीं रहा तो फिर पढ़ा स्टैंडर्ड का फ़ायदा ही क्या, इसलिए इस साल नया चेंज आया है, आपको इसमें देखना है। इस नए चेंज में हमें अभी मैं आपको डिस्कस करूँगी। सबसे पहले इस बेसिक में क्या होगा, इसमें सिलेबस सेम होगा आपका, स्टैंडर्ड में भी सिलेबस सेम होगा, जो सिलेबस आपकी जो बुक्स रहेंगी बेसिक के लिए वही सिलेबस बुक्स रहेंगी आपकी स्टैंडर्ड के लिए। जिस क्लास में आप बेसिक वाले बच्चे बैठेंगे उसी क्लास में स्टैंडर्ड वाले बच्चे ही बैठेंगे, यानी आप कहेंगे सारा तो सब कुछ सेम है, बट डिफरेंस कहाँ आएगा, पेपर पैटर्न में आएगा डिफरेंस। पेपर पैटर्न में भी क्या होगा, पेपर का जो पैटर्न है वो तो सेम रहेगा, क्वेश्चंस भी जितने बेसिक को आएंगे यानी 15 क्वेश्चन आए तो स्टैंडर्ड को भी 15 ही आएंगे, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन ही भी सेम रहेंगे। बट जो बेसिक का जो है वो बेसिक लेवल में आएगा और जो स्टैंडर्ड का है वो स्टैंडर्ड का भी सब कहते हैं कि हार्ड आएगा। स्टैंडर्ड हार्ड होती है क्या, तो स्टैंडर्ड हार्ड नहीं होती, स्टैंडर्ड होती है जो 2020 से पहले जो रेगुलर मैथ्स चलती थी ना, यानी सही बच्चे बेसिक और स्टैंडर्ड कुछ भी नहीं होता था, वही मैथ्स को पढ़ते आते थे। जो 2019 में जो मैथ्स का एग्ज़ाम होता था, सभी बच्चे कोई बेसिक स्टैंडर्ड में डिफरेंस नहीं था, वैसे ही आपका स्टैंडर्ड का हुआ एग्ज़ाम। स्टैंडर्ड का हार्ड एग्ज़ाम नहीं होता, बस जो क्वेश्चन होते हैं वो पहले जैसे आने लगते हैं, यानी जितना पहले पिछले सालों में एग्ज़ाम होते थे सेम वैसे ही, बट बेसिक वालों के लिए बेसिक लेवल यानी ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बेसिक मैथ्स लेने का क्या, बेसिक मैथ्स लेने के आपके फ़ायदे और नुकसान क्या होंगे। तो सबसे पहले हम नुकसान ही देख लेते हैं, तो कौन से होंगे हमारे, आप 11, 12 में मैथ्स नहीं ले सकते, यानी अगर आपको कॉमर्स विद मैथ लेनी है या PCM लेनी है तो आप मैथ्स, तो आप बेसिक मैथ्स अगर ले रहे हैं तो आप मैथ्स नहीं ले सकते। और अगर आपको आगे जाके मैथ्स को अपना करियर बनाना है मैथ्स से कुछ भी रिलेटेड, जैसे अगर आप आर्मी में भी जा रहे हैं या फिर आपका कोई मर्चेंट नेवी या और कोई मैथ्स से रिलेटेड करियर है जिसमें आपका मैथ ज़रूरी होगा,
तो आप बेसिक मैथ ले रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। आपकी कोई भी करियर अपॉर्चुनिटी, यानी अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब भी अप्लाई कर रहे हैं तो गवर्नमेंट जॉब में भी मैथ्स और रीजनिंग पूछी जाती है, तब भी आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप बेसिक मैथ्स वाले बच्चे होंगे। अब इसके फ़ायदे क्या हैं, आप MBBS कर सकते हैं, आप BDS, BHMS जो सारे मेडिकल के कोर्स होते हैं जिनमें मैथ्स इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती। साइड में अगर हम बात करें तो आर्ट्स ले सकते हैं, साइंस PCB के लिए मैं भी मैं इतना श्योर नहीं हूँ क्योंकि आगे जो गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होती है उसमें मैथ्स की रिक्वायर्ड होती है, तो PCB में भी आप ले सकते हैं बट मैथ्स को करियर नहीं बना सकते। कॉमर्स विदाउट मैथ ले सकते हैं, तो ये सारे करियर हो जाएंगे आपके विदाउट मैथ यानी बेसिक मैथ लेने पर। बट स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए ऐसा कुछ नहीं है, आप 11th 12th में भी मैथ्स ले सकते हैं, नहीं भी लेना चाहें तो भी कोई बात नहीं है। अगर आर्ट्स साइड लेने चाहते हैं तो आर्ट्स भी ले सकते हैं, साइंस PCB लेना चाहते हैं तो PCB भी ले सकते हैं, बट आप मैथ्स ले सकते हैं ये है इसमें। पर अगर आप बेसिक मैथ लेंगे तो आप नहीं ले सकते मैथ, कोई भी साइड आप चूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब सारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए ओपन रहेंगी क्योंकि अगर किसी गवर्नमेंट जॉब में मैथ्स अप्लाई मैथ्स ज़रूरी है, और अगर आप बेसिक मैथ्स वाले बच्चे हैं तो आप मैथ्स वो नहीं अप्लाई कर सकते, बट अगर आप स्टैंडर्ड मैथ्स वाले हैं तो आपको वो कर सकते हैं चाहे आपने मैथ्स को करियर बनाया हो या ना हो। अब कुछ क्वेश्चन आ सकता है कि दोनों ले सकते हैं, बेसिक भी ले लो और मैथ्स स्टैंडर्ड भी ले लो, तो दोनों तो कोई सवाल ही नहीं होता। अब एक क्वेश्चन और आता है जो कि ऑफिशियली CBSE ने बताया है, अगर आपका बेसिक लेवल पे रजिस्टर पूरे साल बेसिक लेवल पे आपने पढ़ा, कुछ तो चेंज आता नहीं, एग्ज़ाम के टाइम ही चेंज आता है, और आप फेल हो गए बेसिक लेवल में ही, तो आपको कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अब कंपार्टमेंट में भी चेंज आता, कंपार्टमेंट में भी आप चॉइस आ जाती है स्टैंडर्ड लेनी है बेसिक लेनी है, तो आप स्टैंडर्ड भी ले सकते हैं, या अगर आप स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं, स्टैंडर्ड लेवल पर एग्ज़ाम दे रहे हैं, स्टैंडर्ड लेवल पर रजिस्टर हैं और स्टैंडर्ड पर आप फेल हो गए या कंपार्टमेंट आ गई, तो आप स्टैंडर्ड को चेंज करा के बेसिक लेवल पे जो कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम है वो बेसिक लेवल पर दे सकते हैं, तो ये हो जाता है थोड़ा आपको करियर अपॉर्चुनिटी में। तो एट लास्ट मैं आपको यही कहूँगी 2022 और 23 सेशन वालों के लिए, आपकी जो चेंज आया है कि आपको मैथ्स स्टैंडर्ड मैथ्स लेंगे तो आपको कोई भी हर रास्ते खुले हैं, बट आप बेसिक मैथ लेंगे तो आपको मैथ्स का कोई करियर बनाने का नहीं मिलेगा आगे जाके, मैथ्स आपकी बिल्कुल हट ही जाएगी ज़िंदगी से, तो आपको ये करना है, अभी आपकी चॉइस है। अब आप बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में, आप स्टैंडर्ड ले रहे हैं या बेसिक, कौन सी आपको बेटर लगी। मेरे ख्याल से तो अगर आपको चॉइस दूँ तो आप स्टैंडर्ड ही लें क्योंकि आगे आपको कुछ नहीं पता है, बेसिक और जो बिल्कुल कर ही नहीं पाता मैथ्स को वो बेसिक ले, बट जो कर लेते हैं अभी भी अच्छे मार्क्स आते हैं जिनके, वो बेसिक लेके गलती ना करें, स्टैंडर्ड लें, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे पहले आपके जो सीनियर्स होते थे वो एग्ज़ाम देते थे, आपको भी वैसे एग्ज़ाम देना है और उनसे ईजी जाके क्या ही फ़ायदा, तो आप स्टैंडर्ड ही लें। एंड जो बिल्कुल जिनके मैथ्स में 0 आते हैं या 1-2 नंबर आते हैं 20 में से, तो वो बेसिक ही लें क्योंकि आगे आप स्टैंडर्ड लेके कुछ कर नहीं पाएंगे, आपको मैथ्स की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी। तो यही वीडियो में आई होप आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइज़।